उसका वो देख के और इसकी मेहनत देख के पूरी उम्मीद थी कि बच्चा कुछ करेगा जिस तरह से करता था। जैसे टीचरों का ही मैं सबसे ज्यादा अपने से भी ज्यादा इससे भी ज्यादा टीचरों का योगदान ज्यादा समझता हूँ। स्कूल में बहुत ज्यादा टीचर होते हैं क्योंकि टीचर ऐसा होता है जो बच्चा पढ़ता है तो उसे और पढ़ाना चाहते हैं टीचर, उसका ही होता है। ठीक है, आज बहुत अच्छा लग रहा है सर। मतलब इतना खुश मैं कभी नहीं हुआ हूँगा, पहली बार शायद। हमारा पसंदीदा स्कूल ही मतलब ये था कि एक यहाँ पे पढ़ा के मतलब थोड़ा बच्चे को बड़ा बढ़िया होना। नर्सरी से है। और बच्चों को तो मतलब टीचर्स के प्रति प्रेम हमेशा देखना चाहिए। मार्केट में कहीं भी दिखने चाहिए टीचर, तब भी पैर छूने चाहिए पैसे के साथ। पहले सभी हमेशा रिस्पेक्ट होना चाहिए। हाँ, बच्चों की जो तैयारी होनी चाहिए और मदर्स को क्या संदेश देना है कि बच्चों की तैयारी में एक मदर्स का जो रोल होता है वो किस तरह का होना चाहिए? रोल तो यही है कि बच्चे पे ध्यान थोड़ा देना पड़ता है। बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा मोबाइल ले रहा है तो क्या देख रहा है, उस पर क्या कर रहा है वो देखना पड़ता है ना। बच्चे पर टाइम टाइम पर हंसमुख नजर रखनी पड़ती है कि बच्चा कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, ये सबसे मेन लगता है। लेकिन इसके सामने जैसी दिक्कत नहीं होती है, लेकिन वैसे होना चाहिए कि मदर को ही देखना पड़ता है। कहीं भी बच्चा जा रहा हमारा कहाँ जा रहा है, ये सबसे मेन है कि कहाँ जा रहा है, कितनी देर में आ रहा है। कभी भी ये लेट होता था, मैं हमेशा कॉल करती थी कितने घंटे हो गए, तुम कहाँ हो, घर आओ। तो हमेशा मतलब मेरा यही रहता है कि मदर का बहुत मेल आता है कि बच्चों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। और इस टाइम पे खास तौर से जब मोबाइल का जमाना है, इस टाइम पे फादर का तो काम होता है कि बच्चों की तैयारी करने मदर के ऊपर ही छोड़ देते हैं, बाकी उसके टीचर्स के ऊपर होता है गार्जियन। इन दोनों का ही योगदान होता है। फादर तो अपना कमाने वाने के चक्कर में इधर रहता है बेचारा, ठीक है। सारा योगदान होता है मदर का कि क्या पढ़ रहा है क्या नहीं, उससे ज़्यादा योगदान मैं तो इस समय यही मानता हूँ कि टीचरों का। इसको अच्छे टीचर मिले, अच्छा स्कूल मिला, अच्छी संस्था मिली, तभी आज इस मुकाम पर अच्छे नंबर लेके आया है। काफ़ी मतलब जिससे खुशी ज़्यादा हो रही है। हाँ, एक साथ काम नहीं करेंगे सर, मेन टीचर होते हैं ना बच्चे का। क्योंकि हम लोग उस एजुकेशन में नहीं आए ना।